पहले सेटअप कर लो यार। यार थोड़ी आवाज कम होगी तो इमोशंस भी समझ में आएगा। एजाज बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूरी मीडिया फ्रेंजी देख के कैसा लग रहा है? बहुत मिस किया मैंने ये माहौल को, इन लोगों को। अच्छा लग रहा है आज के ये लोग मेरे लिए आज भी खड़े हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी बात को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एजाज सर, क्या आपके साथ गलत हुआ? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ कुछ गलत हुआ है? एजाज, लास्ट 2 साल बहुत बहुत ट्रॉमेटाइजिंग रहे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत दुख का समय रहा। पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ये 2 साल आपने कैसे निकाले? ये बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए, क्योंकि सच बोलने की आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी पता है? आपके अपने लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। सच कोई सुनना नहीं चाहता है। सच बोला तो आपको प्रॉब्लम होगी और 100% होगी। मुझे भी हुई। 26 महीने मैंने जो अपनी फैमिली के बिना, मतलब मेरे बेटे के बिना, मेरी बीवी, मेरे फादर इतने बीमार थे, मेरी सारी बहनें, मेरा पूरा घर 26 महीने ऐसा लगा वो भी जेल में है, लेकिन मेरे पास अल्लाह ताला का ऐसा करम था कि मैंने अपने आप को संभाला अंदर, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बीवी, मेरे वालिद साहब के लिए, उनके लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी था। तो मैं उस हालात से लड़ा, मतलब 400 लोगों में 3 टॉयलेट, जो टॉयलेट हमेशा भरे रहते थे, मैंने एक एक छोटी चीज़ की कद्र भी सीखी वहाँ पे। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने और डीप हर चीज़ों को जाना। कहते हैं ना, जब तुम अपने साथ वक्त बिताते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। उसी तरह मैंने जब अकेले उन प्रिजनर के साथ, वो गैंगस्टरों के साथ अंदर वक्त बिताया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। एक कांदे की कीमत मुझे पता चल गई कि कांदे की वैल्यू क्या होती है। रोटी जो घर में बन के आती थी तो बोलते थे घी कम लगाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा लगा दो, रोटी थोड़ी जल गई है। सूखी रोटी, पत्थर के जैसे चावल। तो आज मेरे सामने, पहले मैं ऐसा सोचता था अरे डाइट फूड लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा करके लाओ। आज मेरे सामने अगर कोई सूखी रोटी और कांदा रख देगा ना, मैं उसको शौक से खा लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे अपनी फैमिली की वैल्यू और थी, लेकिन और हो गई। मुझे ये पता चल गया, देखो बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जब बुरा वक्त आता है ना तो अपनों में से गैर और गैरों में से तुम्हें अपने मिल जाते हैं। तुम्हें पता चलता है तुम्हारे साथ कौन कौन लोग खड़े हैं। कि मुश्किलें लाख गुजर जाए, मैं मंजिलों से लड़ जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और कहां है वो लोग जो कहते थे, कहां है जो लोग जो कहते थे कि तेरे लिए मैं राह में बिखर जाऊंगा। तो कुछ गैरों में से मुझे अपने दोस्त मिले और कुछ दोस्तों में से गैर मिल गए। जब बुरा वक्त आता है तो तुम्हारा साया भी साथ छोड़ देता है, और मैंने उसको महसूस किया है, उसको फील किया है। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था और कई गैरों ने मेरा साथ दे दिया, लेकिन खैर यही ज़िंदगी है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं, आपने देखा होगा मेरे एटीट्यूड में, मुझसे ज़्यादा और आप लोगों से ज़्यादा मुझे कौन जानता है। एक चेंज, एक ठहराव मेरे अंदर आ गया और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। किस लिए जेल गया था मैं, वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किस लिए जेल गया था, पर मैं जेल गया था। और कैन आई हैव अ टॉवल और समथिंग? आलम,
इट्स टू हॉट, हाँ तावल देना, थैंक यू यार। हाँ तो मैं जेल क्यों गया था, जैसे मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मैं जेल क्यों गया था। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और मुझे कुछ लोगों ने अरेस्ट किया और उसके बाद मुझसे कहा कि आपसे कुछ सवाल करने, और फिर सीधा मैं जेल में था। खैर लेकिन मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद द गवर्नमेंट, आई डोंट टू फाइट विद द सिस्टम। कभी कोई सिस्टम से नहीं जीत सकता है, और मुझे भी सिस्टम से नहीं लड़ना है। मुझे भी मेरी फैमिली पे ध्यान देना है, मुझे मेरे बच्चे पे ध्यान देना है, मुझे जो मुझसे प्यार करते हैं उन लोगों पे ध्यान देना है, मेरे जो फैंस मुझे थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं मुझे उन पे ध्यान देना है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे बॉलीवुड के जो दोस्त है जो मेरे जेल जाने से मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यार, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा वाली साहब है, मुझसे दूर मत हो। मैं अल्लाह मेरे साथ है, और अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे काम मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस पर ध्यान दें थोड़ा सा, कि मैं एक एक्टर हूँ और हम एक्टरों पे बहुत बार कुछ ना कुछ होता है। आप देख लीजिए शाहरुख भाई के बेटे के साथ क्या हुआ, वो आने के बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया पूरा देख रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया कैसे किया, सबको सब पता है। अब मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ पर कुछ कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दी है, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, और मैं उनके लॉ फॉलो करना चाहता हूँ, और मैं हमेशा लॉ फॉलो करके ही चलूँगा। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि वो एजाज़ और ये एजाज़ में बहुत फ़र्क है, और ये एजाज़ काम करना चाहता है अपना टैलेंट, जो मैं एक्टर हूँ, मैंने अपनी जेल की जो कहानी है उसको एक किताब में निकाला हूँ, और इंशाल्लाह स्टूडियोज़ के पास जाऊँगा और जेल पे एक वेब सीरीज़ बनाऊँगा कि जेल कैसे चलती है, जेल में क्या होता है, जेल में लोग कैसे ज़िंदगी बिताते हैं, और जो जेल जाता है उसको कोर्ट अभी तक विक्टिम साबित नहीं किए, लेकिन मीडिया, आई एम सो सॉरी, और लोग उनको विक्टिम और उनको मुजरिम बोल देती है कि भाई उनको, और बाद में कई ऐसे लोग हैं जिन पे केस झूठा साबित होता है, और वो जेल से जब छूटते हैं तो उनकी ज़िंदगी के 5 साल तो वेस्ट हो ही जाते हैं, 10 साल तो वेस्ट हो ही जाते हैं, उसके बाद समाज भी उनको, कई बार तो उनके बीवी बच्चे उनको छोड़ देते हैं, उनके दोस्त यार उनको छोड़ देते हैं। और जब हमारा लॉ सिस्टम इतना स्लो है कि किसी केस को चलने में 10 से 20 साल लगते हैं, तब तक आदमी का सब कुछ खत्म हो जाता है, और अगर वो बाइज्जत बरी हो जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। और यही चीज़ दूसरी कंट्रीज़ में, अगर तुमको बाइज्जत बरी किया जाता है, यू डिस्चार्ज, देन यू गेट व्हाट यू लूज। बट क्या मैंने जो 26 महीने खोए वो वापस आ सकते हैं? क्या आर्यन ने जो 1 महीना अपनी ज़िंदगी का वो ट्रॉमेटाइज्ड, मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप समझ रहे हो वो एक बच्चा है, तो मैंने तो झेल लिया, उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही थी यार, इट्स जस्ट 18। बाद में उसको 169 देते हो कि ये सब जो हुआ वो फेक था। आई मीन किसी के ईगो के लिए किसी को, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना इज़ नॉट राइट। मैं क्या कानून मिनिस्टर हूँ मेरे भाई? अवल देर को बोला तो हाँ, मैं चाहता हूँ आप भी 1-1.5 महीने के लिए अनुभव करें, आप भी 70 करोड़ जेल जाए तो आपको समझ में आएगा। भाई देखो कैसा है कि कानून मेरे हाथ में नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा सवाल है। मैं सजेशन ये देता हूँ कि हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है। बस वही मेरा, मैं यही कह, अभी देखो उसमें मैं कुछ बोलूँगा फिर मेरे पे 2 एलिगेशन मार देंगे, आप मेरी भी बात को समझो। मैं दूध का जला हूँ, छाछ भी फूंक फूंक के पीता हूँ। एजाज भाई, जैसे आपने कहा कि आर्यन जो है बहुत छोटा था, हमने एक न्यूज़ पढ़ी कि आप मिले थे जेल के अंदर, क्या आप मिले थे? भाई मैं तो सभी से मिला ना,
वो जेल में, वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसा रहेंगे, जेल में सब एक ही जैसे, शेर और बकरी एक साथ में पानी पीती है वहाँ पे। तो हम सब मिलते थे, सुबह बंदी खुलती थी, सो जितना मुझसे हो सका, देखो मैं पहले से अंदर था तो थोड़ा बहुत तो अंदर लोग मुझे जानने लगे थे, तो मुझसे जो भी हो सका, जो लोग भी अंदर आए, आर्यन हो या राज कुंद्रा हो, जो भी अरमान कोहली हो, मेरी फर्टर्निटी के लोग थे, मुझसे जो हो सका मैं उनको पानी बिस्किट अंदर, तुम और कुछ नहीं दे सकते हो यार, लेकिन क्या तुम बाद में आए हो और मैं पहले से हूँ तो मेरे पास कम से कम बिस्किट वेफर पानी ये तो रहेगा, और जब तुम आओगे तो देखो ये जेल कैसी होती है, परदेश पता है, परदेश तुम रहते हो, कोई नहीं होता तुम्हारा, तुम अकेले होते हो, सडनली तुम्हारा कोई आता है तो तुम्हें अपना सा फील होता है, क्योंकि अंदर सिर्फ आंसुओं के अलावा, वो गमों का घर है, जिंदों का कब्रस्तान है, वो दुश्मनों की खुशी है वो, तो दुश्मन भी ना जाए उस जेल के अंदर। दुनिया की सबसे क्राउडेड जेल है, 800 की कैपेसिटी में 4,500-3,500 लोग रखते हैं वो लोग, इंसानों को घेंटे बकरों की तरह सुलाया जाता है, एक के ऊपर एक, ये माइक रखी है ना, माइक ठीक से रखी हुई है, ये माइक तो फिर भी ठीक से रखी हुई है, माइक से खराब आदमी एक के ऊपर एक सोता है उधर। खैर लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि हर जो आदमी अंदर है उसे इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मिले, क्योंकि उनकी फैमिली बाहर ख़त्म होती जा रही है, जिसने क्राइम किया है उसे सज़ा मिले, जिसने नहीं किया उसे। सर हम जानना चाहेंगे इन 2 सालों में आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन रहे आपके फ्रेंड फैमिली में? आपने वो सुना है कि जो करता है वो कभी बताता नहीं है। मैं जो सबसे बड़ा जिस आदमी का रोल है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो चाहता नहीं मैं उसका नाम लूँ, लेकिन ऊपर वाला ऐसा दोस्त सबको दे, दूसरा मैं नाम लूँगा मीका सिंह। मीका सिंह एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा इंसान है, वो किंग है वाकई में, जिसने 26 महीनों तक मेरी फैमिली को फ़ोन किया, उनको पूछा कि उनको क्या ज़रूरत है, उन्हें क्या चाहिए, और जो ज़रूरत उनकी थी उस आदमी ने उसको पूरा किया। तो मैं मीका सिंह को दिल से सलाम करता हूँ, मैं रणदीप हुडा को दिल से सलाम करता हूँ। खैर हमारे एक दोस्त है जो बड़ा दुनिया को हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं पूछा कभी। सलमान भाई के साथ आपने शो किया है, क्या उनके तरफ से कोई कॉल आया या फिर अगर उस बारे में कुछ बात करना चाहें? और ये जो आपने एक दोस्त भी आ गया है कहीं तो सलमान? नहीं नहीं नहीं, सलमान भाई ऐसे शख्स है जो, और उन्होंने हमेशा सबकी हेल्प की है, मेरी भी की है, और ज़िंदगी में आज मुझे एक पहचान जो मिली है उसमें सलमान खान का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने किसी से हेल्प मांगी नहीं, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर तुम गॉड में, अल्लाह में, ऊपर वाले में यकीन रखते हो तो तुम्हारी मदद को ज़रूर आता है, तो तुम उससे मदद मांगो, ज़रिया वही बनाएगा, और उसने मेरे लिए जो ज़रिए बनाए वो आए, उन्होंने मेरी मदद की, जो नहीं आए उनको भी प्यार, जो आए उनको भी मोहब्बत। देखो किसी ने मेरा ठेका तो नहीं लिया, पर जो आया उसको ज़िंदगी भर याद रखो कि तुम्हारे बुरे वक्त में कोई खड़ा था, और जो नहीं आया उसको भी याद रखो, याद ही रखना है ना तुम्हें। तो देखिए मैडम, माई नेक्स्ट मूवी इज़ आई वॉन्ट टू मेक अ वेब सीरीज़ और समथिंग लाइक दैट। अभी एक साउथ की फिल्म मिली है वो मैं कर रहा हूँ, और अपने फैंस के लिए वही मैं अभी काम करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू कॉन्ट्रोवर्सी, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू स्टूपिड थिंग्स वेयर कहीं कुछ हो रहा है और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो मुझे लगता था मेरे देश के लिए ज़रूरी है बोलना, लेकिन अगर बात मेरी फैमिली पर आती है, मेरे करियर पर आती है, और मेरी आज़ादी पे आती है, मेरी फ्रीडम पे आती है, तो आई एम सॉरी, आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय करियर। मैम व्हाट डू यू थिंक, व्हेन आई एम कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट आई डोंट हैव एनीथिंग, आई मीन आई कांट से राइट नाउ, द केस इज गोइंग ऑन, यू नो, राइट नाउ आई एम ऑन बेल, आई एम हैप्पी, आई एम विथ माय फैमिली, आई एम विथ माय फैंस, आई एम वर्किंग, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट लॉ एंड ऑर्डर्स, इट इज नॉट राइट, यू नो, I want to talk about myself,
you want to know something about me, I want to tell you what happened with me inside, how I survived, what I want to do, you know. Because it's a lot of pain inside. मुझे एक महीना लगा बाहर आके सब कुछ नॉर्मल देखने में. मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ. इतनी लाइट्स में हम लोग सोते थे, इतना क्राउड, इतने लोग आसपास, मतलब एक पागलपन सा था. मैं घर आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये बाथरूम में मैं कैसे बैठूं. मैं ये रोटी देख के मुझे ऐसा लगता था ये, अरे यार ये कैसी रोटी है. मुझे वो सूखी रोटी की आदत हो गई थी. हम लोग कीड़े वाली दाल भी खा जाते थे क्योंकि खाना तो है, कभी कभी दाल में चूहा निकल रहा है और ऐसा एक प्रिजनर लेके आ रहा है, ए चूहा निकला रे, चूहा निकला रे, और फिर हम उसका नाम रखते थे आज नॉन वेजिटेरियन है, आज नॉन वेजिटेरियन दाल है तो चूहे वाली दाल है. और दाल का एक और नाम रखा था हमने, पत्थर के सनम, क्योंकि दाल में इतना पत्थर निकलता था कि हम सब प्रिजनर लोग उसको निकालते थे और पत्थरों को जमा करते थे और फिर सुपरिटेंडेंट को देते थे कि सर इतनी दाल में पत्थर, अरे इतने पत्थर निकले. अरे भाई हम मर भी जाए किसी को क्या परवाह है, हम लोग तो प्रिजनर है ना, हम लोग तो जेल में है, पता नहीं हमने क्या कर दिया है, अभी तक अदालत ने तो कुछ प्रूव नहीं किया है, पर लोगों ने हमको बोल दिया है कि हम मुजरिम है, हम पता नहीं क्या है. नहीं, राज कुंद्रा काफ़ी डिप्रेस हो गए थे और हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन उन्होंने भी फेस किया. कुछ 10-15 किलो उनका वज़न कम हो गया था. बहुत तकलीफ़ उन्होंने भी झेली, आर्यन ने भी बहुत तकलीफ़ झेली. तकलीफ़ की जगह है यार, वो जेल है. मैं कहता हूँ ऊपर दुश्मन को भी ऊपर वाला नहीं भेजे, वो जेल है. और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी फैमिली अकेली है, तुम अंदर क्या करो, मतलब 1000 सवाल तुम्हारे दिमाग में रोज़ आएंगे, उसके सवाल के जवाब तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम्हारा माइंड है ना स्टक हो गया है, बिकॉज यू आर लॉक्ड. ज़मीन पे सोना है, एक चादर है, वहाँ पे खटमल चल रहे हैं, यहाँ मच्छर है, इतने सारे लोग हैं, रहना है तुम्हें, रहा मैं. लोग जज तो ऐसे ही कर देते ना, अरे भाई तुम, अरे कभी किसी के अंदर झांक के देखा है लोगों ने कि किसी की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ चल रही है, वो क्या सफ़र कर रहा है. लोग आजकल सोशल मीडिया पे किसी को जज करना, अरे हमाम में सब नंगे हैं यार. ऐसा कौन है जिसने कोई पाप ना किया हो. अच्छे काम करो यार, डोंट जज पीपल. यू नो किसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, कोई क्या सफ़र कर रहा है, यू डोंट नो. तुम्हारी एक कमेंट से, तुम्हारी चार गाली से उसको पता नहीं क्या डिप्रेशन. अभी मेरे जैसे लोग, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा रॉक बॉटम है अभी, मुझे इससे ज़्यादा क्या गिराओगे यार. कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे, और मैं हमेशा उठ के आऊँगा. बिकॉज आई बिलीव इन अल्लाह ताला, आई बिलीव इन गॉड, आई एम अ फाइटर एंड आई हैव अ फैमिली टू फाइट, आई एम एन एक्टर, थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी दिखता हूँ, कुछ काम वाम भी मिल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है. तो बस मुझे अभी जीना है. और यहाँ पे तो अब ऐसा है कि बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया. तो आई वॉन्ट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई करियर राइट नाउ. काम की दिशा में मैंने आपसे कहा, एक साउथ की फिल्म है, मैं बाद में बताऊंगा उस पर, आई डोंट वॉन्ट टॉक अबाउट, ताकि आप बाद में भी आ सको, मैं उस पर बाद में बात कर सकूँ, है ना. काम मिलेगा मुझे, कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो काम देंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद करते, कोई बात नहीं, एक दिन वो भी पसंद करेंगे. पसंद करने में क्या है, यू डोंट हैव ऑप्शन. इंसान को अपने जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको देखना चाहिए. लोग क्या करते, जो है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं. आजकल यही चल रहा है, आप देख लीजिए. अपने गमों से लोग परेशान नहीं है, दूसरे की खुशी से परेशान है. आज समाज में माहौल ये चल रहा है.
अरे अपने गमों को देखिए, अपने गमों को भी भूल जाइए, अपने आसपास खुशियां हैं, अपने मामी डैडी, अपने वाइफ बच्चे, अपने दोस्त जो तुमसे प्यार करता है। आदमी उसी के पास जाता है जो उसको धुक्कारता है, जो उसको झटका देता है, जो प्यार करता है उसको वो समझ नहीं पाता है। अरे उन्हीं को समझिए भाई, बाकी जाने दीजिए, अपना मेहनत करिए, काम करते रहिए, एक ना एक दिन आपका होना ही है, 100% होना है। जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी, उस पर आप काम करते जाइए। और रही बात तकलीफ़ होगी तो ये आना जाना लगा रहेगा, मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, मैं इसको एक पॉजिटिव में लेके इस पर एक वेब सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ, इस पर एक किताब लिखना चाह रहा हूँ अच्छे से, और लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हुआ क्या। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इन दो सालों में मेरे लिए रहा सर्वाइव करना, ज़िंदा रहना। सवाल जहर का नहीं है, जहर तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया, और मुझे जीना था और मैं जिया, क्योंकि मुझे अपने आप के लिए जीना तो ज़रूरी था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा एक बेटा है, मेरी बीवी है, मेरे वालिद साहब है, और मेरे कई चाहने वाले जो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी दुआओं का असर है, और मेरी माँ जो वहाँ बैठी है वो भी मेरे लिए दुआएं कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अंदर कुछ सीखने गया था और थोड़ा मजबूत होने गया था, कि जब वक्त आए तो तुम किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हो, क्योंकि आदमी आया अकेला, उसको जाना अकेला है, बस कुछ जिम्मेदारियाँ उसको निभाना है, उसके लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी था, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक लग रहा हूँ ना? मुझसे मेरा अल्लाह ताला बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, अल्लाह उसको उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो झेल सकता है। तो उनको पता था कि एजाज इतना झेल लेगा, 26 महीना एजाज झेल लेगा, बाकी और कोई नहीं झेल पाएगा बिना कुछ किए, एक दिन भी काटना बड़ा मुश्किल होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ उन्होंने मुझे भेजा था, या वो मेरे गुनाहों की सज़ा थी, या मेरी गिज़ा थी, या मेरे भले के लिए था। मैं अंदर गया, वो अल्लाह ताला ने इतना टाइम मुकर्रर रखा था, मैं वहाँ से आ गया। कुछ बदलाव आया आपने? बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। सबसे पहले तो एक कामनेस आ गई है अंदर, एक यकीन ऊपर वाले पे। जब मेरी सुप्रीम में बेल, हर जगह बेल मेरी रिजेक्ट हो गई, लोगों ने कहा एजाज खान 5 साल 10 साल नहीं छूटेगा, हम अंदर नमाज पढ़ रहे, सुबह में हमारा बेल है, ऐसे 350 लोग एक के ऊपर एक सोते हैं, नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती अंदर। हमारे दोस्त प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे हिंदू दोस्त, 350 लोग जाग रहे हमारे लिए, नमाज पढ़ रहे, हम भी ताजुद का बिछा के नमाज, अंदर लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करते, अंदर इंसान इंसान करते हैं, एक इंसान की मदद करता है अंदर। मेरे दोस्त मेरे लिए प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा मंदिर गली होती है, और ये मंदिर गली पूरी उन्होंने मेरे लिए चालू रखी, इधर मस्जिद गली, यहाँ पे मेरे लिए नमाज़ पढ़ रहे, और सबको पता था कि मेरी बेल होने वाली है। मैंने ताजुद की नमाज़ बिछाया और अल्लाह से ताजुद की नमाज़ में बोला, या अल्लाह मेरा वक्त हो गया तो मुझे घर भेज दे, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे, मेरे यार दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे, अगर तुम्हें लगता है कि हो गया हो तो भेज दो। और एक अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर, एक ठंडी सी सांस, पहली बार ऐसा मैंने फील किया, वो 26 महीनों के अंदर वो गर्माहट वो सब कुछ वो हट गया, और एक ठंडी सी ऐसी अंदर से, वो मैं आपको महसूस आप नहीं कर पाओगे, वो कि ऊपर वाला जब तुम्हें ऐसा फील करवाता है ना कि अब वाकई में तेरा कुछ होने वाला है, तो एक अंदर से ऐसी फीलिंग आई। और फिर मैं सुबह की नमाज़ पढ़ के बैठा हूँ, और बैठे 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 मैं सो गया, और मुलाकात में मेरा नाम आता है, एजाज भाई आपकी मुलाकात आई है, और हमारी बीवी अल्लाह उसको 100 साल का करे, उसको हमेशा खुश रखे, दूसरी कंट्री की है,
उसके बावजूद ऐसी लड़ी है हमारे लिए, क्योंकि उसको पता था हमने कुछ नहीं किया, हमारे वालिद साहब को पता था, हमारे फैंस को पता था, हम खुश थे। देखो तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते ना, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। वो मुलाकात में आए, हमने ऐसे खिड़की में देखा, हम भी एक्टर है यार, हम समझ गए कि अल्लाह ने हमें वो फीलिंग दे ही दी है। सामने खड़ी थी वो तो हमारी मजाक उड़ा रही है, बेल गॉट रिजेक्टेड। अरे मैं बोला एक्टिंग तेरे को आती नहीं है, बेल मेरी हो गई। और पूरी जेल में लोगों ने खुशियां मनाई और मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। आपको ये लुक कैसा लगता है, कैसा लगा आपको? हाँ, डॉन वाली फीलिंग दे रहा है। चलो फिर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर अच्छी बात है ना। दो साल में एक्टिंग करियर में कैसे बदलाव आएंगे मैडम? अभी तो बताया यार, कामनेस आ गई। कुछ अच्छा सवाल तो कर यार, दो ढाई साल के बाद 26 महीने के बाद ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो, अच्छे सवाल तो करो यार। मैं ग्रो हुआ, तुम लोग भी तो थोड़ा ग्रो हो यार। नहीं नहीं, उसमें सब लिखूंगा, उसमें सब सब आएगा, आपको सब मिलेगा उसके अंदर। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको बहुत मजा आएगी। जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैं अपनी माँ की कब्र पे गया, जो 26 महीनों से मैं नहीं जा पाया, और वहाँ जाके मैंने दुआ की और मेरी माँ के गले लग के थोड़ा सा रोया, और उसके बाद घर गया और फैमिली के साथ अपना वक्त बिताया। सबसे पहले मैं अपनी माँ के पास गया। मैं लोगों से यही कहूँगा कि माँ बाप की इज्जत करो, उनको वक्त दो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। माँ जन्नत की सीढ़ी है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, वो चाबी है। मेरे यारों, माँ बाप की इज्जत करो, जो तुमसे प्यार करता है उनकी इज्जत करो, ज़िंदगी तुम्हारी बहुत सही हो जाएगी यार, बहुत सही हो जाएगी। थैंक यू सो मच।